बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम था वो अब डिप्रेशन बन चुका है और जो उसका जो मूवमेंट है वो नॉर्थ ईस्टवर्ड हो रहा है और कल सुबह तक में उसके साइक्लोन में तब्दील होने की संभावना जताई जा रही है। साइक्लोन बनने के बाद उसका रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम डिप्रेशन बन चुका है जो गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तर और उससे सटे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान रेमेल में तब्दील हो गया। इसके लगभग उत्तर की ओर बढ़ने और आज 26 मई की सुबह तक उत्तर पश्चिम और उससे सटे पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और 26 मई की आधी रात तक सागर द्वीप और खेपूपारा के बीच बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल तटों को 110-120 से लेकर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ पार करने की संभावना है। इसके प्रभाव से 26 मई से लेकर 28 मई तक कोल्हान, संथाल और इसके मध्य भाग के कुछ स्थानों पर हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई जा रही है। चेतावनी की बात की जाए तो 26 मई से लेकर 28 मई तक गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जताई जा रही है। सिस्टम के बारे में तो एक बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम था वो डिप्रेशन बन चुका है और जो उसका जो मूवमेंट है वो नॉर्थ ईस्टवर्ड हो रहा है और कल सुबह तक में उसके साइक्लोन में तब्दील होने की संभावना जताई जा रही है। साइक्लोन बनने के बाद उसका जो नाम होगा रीमाल, जो कि ओमान ने दिया है। और बात करें तो उसके बाद वो जो सिस्टम है वो नॉर्थ ईस्टवर्ड होता हुआ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा और फिर नॉर्थवर्ड मूव करता हुआ 26 तारीख को देर शाम मध्य रात्रि में उसके सागर आइलैंड और खेपरूपारा बांग्लादेश के बीच में पास करने की संभावना है। ये जो रीजन है वो बांग्लादेश और एडज्वाइनिंग वेस्ट बंगाल का रीजन है, उसके आसपास से पास करने की अभी के हिसाब से संभावना जताई जा रही है। बात करते हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड है और 26, 27, 28 में भी वही जो पूरा पूर्वी भाग है कोल्हान, संथाल और उससे सटा हुआ जो मध्य भाग है वहाँ पर आपको हल्के मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना कुछ स्थानों पर जताई जा रही है। चेतावनी की बात करें तो अभी से लेकर अगले 5 दिनों तक 24 से 28 तक गर्जन वज्रपात की चेतावनी झारखंड में है। जब थोड़ी गर्जन वज्रपात की स्थिति देखने को मिलेगी तो लोग उससे सचेत रहें और 24 तारीख में बाद 30 से 40 किलोमीटर के हिसाब से भी गर्जन वज्रपात के समय हवा चल सकती है। तो कुल मिला के ये है कि थोड़ा बहुत बारिश झारखंड में आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा और ये जो बारिश है थंडरस्टॉर्म रिलेटेड है, गर्जन वज्रपात वाली बारिश है और आपको साथ में आंधी भी देखने को मिलेगी। ये जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है उसका जो आंशिक बादल कल से आने लगेगा और 26-27 में हो सकता है कि कुछ इलाकों में आप जनरली क्लाउडी स्काई भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि 28 से जो मौसम है वो एक बार खुला हुआ देखने को मिलेगा। और अभी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग को लेकर लोग सचेत रहें, पेड़ के नीचे ना रहें, इलेक्ट्रिक पोलों से थोड़ी दूरी बना के रखें और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सतर्कता के साथ में आप इस्तेमाल करें। जब तेज आंधी हो तो सुरक्षित स्थानों पर आप शरण ले सकते हैं। धन्यवाद।